Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And Bacha Badi, I hope आप सारे के सारे चुस्त मस्त और तंदुरुस्त होंगे. So, Bacha Badi, आज के सेशन हम क्या करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि आपसे 6 मार्क्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ना ही 3, ना ही 1, ना ही 5, डायरेक्टली 6 मार्क क्वेश्चन. तो आप सबको पता होगा कि जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो आपके या तो थीम बेस्ड होते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम कैरेक्टर के कंपैरिजन या कैरेक्टर से ही रिलेटेड एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कि आप अपने लिटरेचर में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस को करके जाओ, ताकि फिर चाहे आपसे उनसे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर आपके पास उनसे रिलेटेड यू नो डायरेक्टली कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन आए, आप उन्हें कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सको. तो इसी कॉन्फिडेंस को आपके अंदर इंस्टॉल करने के लिए हमने ये वाला सेशन आपके लिए प्रिपेयर करा है. एंड दिस इज जस्ट पार्ट वन, यानी इसके अंदर तो हम कुछ ही कैरेक्टर स्केचेस यू नो डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वीक इससे भी ज्यादा आएंगे और पार्ट टू में हम बाकी सारे के सारे रिमेनिंग कैरेक्टर स्केचेस को डिस्कस करेंगे. तो बच्चा पार्टी, इंतजार किस बात का है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो बच्चा, दिस इज अ स्केड्यूल ऑफ द वीक एंड आई होप आप सारे के सारे सब सेशंस देख रहे हो. कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं. तो अगर आपने इनमें से कोई भी सेशन अभी तक मिस करा है, ठीक है, तो प्लीज जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए. ठीक है, आज आपके पास ये वाली वीडियो आएगी और इसके बाद कल सैटरडे मैं आपके पास आ रही हूँ 1 शॉट ग्रामर का मॉडल्स लेकर. ये तो संडे को आएगा, अच्छा सैटरडे को आएगा टाइगर इन द जू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रात को 9 बजे एंड अ वीआईपी सीरीज ऑन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एट 6 PM. और संडे को फिर मिचविल द ऑर्डर के ऊपर भी एक आपका वीआईपी सेशन आ रहा है. तो इन सेशंस को भी देखना है, किसी सेशन को मिस आउट नहीं करना है. ऑलराइट, चलिए देन, बहुत हो गई बातचीत, अब बात बिल्कुल खत्म है. नो बकवास, ओनली काम की बात. और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. ऑलराइट, सो हियर्स योर कैरेक्टर नंबर 1, सीगल्स मदर. नाउ बिफोर आई हॉप इनटू ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ मदर्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि सारे के सारे मदर्स के कैरेक्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि मदर्स ने बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा आपके बहुत सारे चैप्टर्स में. तो आपके पास उनसे रिलेटेड कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन काफी आराम से पूछे जा सकते हैं. ठीक है, इनफैक्ट आपके जो इस बार का सैंपल पेपर था उसके अंदर तो सीगल की मामा वर्सेस अमांडा की मामा का कंपैरिजन पूछा भी गया था, इसीलिए हम सबसे पहले इनका कैरेक्टर स्केच डिस्कस कर रहे हैं. प्लस इस सेशन में हम वो ही कैरेक्टर्स फिलहाल मैं आपके पास मोस्टली लेकर आई हूँ जिनका कंपैरिजन आपसे आराम से पूछा जा सकता है. तो सीगल की मम्मा की अगर हम बात करें, देन शी वॉज डेफिनेटली अ लविंग एंड अ प्रोटेक्टिव मदर. ठीक है, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनको लेकर प्रोटेक्टिव थी एंड शी वॉन्टेड टू मेक ईच ऑफ हर किड इंडिपेंडेंट. ठीक है, जिसके लिए वो उन्हें सारी की सारी लाइफ स्किल्स सिखा रहे थे, जैसे कि जो सीगल के सारे सिबलिंग्स थे वो उड़ना सीख रहे थे, ठीक है, फिशेस को पकड़ना सीख रहे थे एंड शी वॉन्टेड द सेम फॉर द बेबी सीगल एज वेल. बट सीगल जो है उस चीज को सीखने के लिए रेडी नहीं था बिकॉज ही वॉज जस्ट टू स्केयर. ठीक है, अब उसके डर की वजह से शी हैड टू यूज टफ लव एज अ टूल. ठीक है, उसके लिए वो टफ लव यूज करती है. अब कैसे टफ लव का इस्तेमाल करती है, ठीक है, कि उसके मम्मी पापा पूरी फैमिली उसे जो है अबैंडन करके सामने चली जाती है. देयर लाइक वी वोंट फीड यू, ठीक है, वी वोंट गिव यू एनी फूड अंटिल एंड अनलेस तुम अपने इस फियर को ओवरकम नहीं कर लेते. ठीक है, एट द सेम टाइम शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बर्ड हु इज कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट हर ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, अपने बच्चों को लेकर वो हमेशा यू नो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी. ठीक है, इवन व्हाइल शी वॉज यूजिंग यू नो टफ लव एज अ टूल टू टीच द बेबी सीगल अ लेसन, तब भी जब सीगल जो है बार बार खाने के लिए चिल्लाता है तो वो उसके पास आती है इन ऑर्डर टू फीड हिम. Next, she was willing to sacrifice her own
कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर किड। जहां पर वो पहले रह रहे थे ऑब्वियसली उन्हें वो जगह पसंद थी, वहां पर सारे के सारे सुटेबल सिचुएशन थी, इसीलिए वो वहीं रह रहे थे। बट जब उसे पता चलता है कि उसके बेबी के लिए उन्हें ये स्टेप लेना पड़ेगा, ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सो शी डजंट यू नो इवन फ्लिंच फॉर अ मोमेंट। शी इज लाइक ओके वी आर गोइंग टू टेक दैट स्टेप, वी आर गोइंग टू लीव यू अवे फ्रॉम अस सो दैट यू कैन फाइनली अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लिव independently. And last but not the least, she encourages and motivates her kid to learn to fly. देखिए, she uses every tool and every method, ठीक है, ताकि उनका बच्चा उड़ना सीख सके. But शायद कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाई थी. बिकॉज ऑफ दैट वो ये नहीं समझ पा रही थी कि बेबी सीगल उड़ने क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, what's the reason that's stopping that baby seagull, ठीक है. So maybe she should have been a little more understanding. And अगर वो थोड़ी सी और अंडरस्टैंड होती, ठीक है, तो शायद वो बच्चे के अपने फियर और एंजाइटी को भी आराम से पहचान लेती. ऑलराइट, मूविंग अहेड, अमांडाज मदर. अगर हम बात करें अमांडा की मम्मा की, तो अमांडा की मम्मा कैसी है? शी कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट्स अमांडा, ठीक है, थ्रू आउट द पोम हमें दिख रहा है अमांडा की मम्मा से क्या बोल रही है, अमांडा ये करो, अमांडा वो करो, अमांडा तुमने ये नहीं करा, अमांडा तुमने वो नहीं करा. हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात को लेकर वो अमांडा को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है. सो शी इज ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड अमांडा अबाउट समथिंग और द अदर. नेक्स्ट, शी इज वेरी कंट्रोलिंग एंड ओवर प्रोटेक्टिव, ठीक है, बहुत प्रोटेक्टिव है, वो अपने बच्चे का भला चाहती है, ठीक है. जब भी आप किसी मदर के कैरेक्टर को बता रहे हो, ऑलवेज मेंशन, चाहे वो नेगेटिव लाइट में है, पॉजिटिव लाइट में है, दैट मदर्स देयर ऑलवेज केयरिंग, दे वांट देयर बेटर फॉर देयर चाइल्ड. बट उनका जो तरीका है कई बार ना वो गलत या सही हो जाता है. जैसे इन केस ऑफ अमांडाज मदर, अमांडा की मम्मा भी अमांडा का भला चाहती थी, वो चाहती थी कि अमांडा जो है एक अच्छी बच्ची बने, अमांडा के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आए, बट वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और ओवर प्रेडिक्टिव थी. उन्हें लगता था कि अमांडा तो अभी एक छोटी बच्ची है और उन्हें वही सब करना चाहिए जो कि अमांडा की मम्मा उसे जैसा बता रही है, विच वॉज नॉट द सिनेरियो. शी शुड हैव अंडरस्टूड कि अमांडा को उन्हें स्पेस देने की भी थोड़ी सी जरूरत है, एक थोड़ा सा रूम देने की भी जरूरत है, ताकि अमांडा गलतियां करे और अपनी गलतियों से सीखे. राइट, नेक्स्ट, शी वॉज क्रिटिकल ऑफ अमांडाज एवरी एक्शन, एवरी लिटिल एक्शन को लेकर वो कोई ना कोई अपनी टिप्पणी जरूर देती थी. अरे अमांडा तुम चॉकलेट्स खा रही हो, अमांडा तुम ऐसे बैठी हो, अमांडा तुम ऐसे चल रही हो, तो उनके पास हर चीज के लिए कोई ना कोई कॉमेंट्री जरूर तैयार रहती थी, जिसकी वजह से अमांडा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मूडी हो गई थी. एंड शी स्टार्टेड डिस्टेंसिंग अवे फ्रॉम हर मदर. Alright, moving ahead, she cares too much about what society would think rather than her child. ठीक है, society का चार लोग क्या बोलेंगे इसका ज्यादा डर था rather than कि उनका बच्चा खुद उनके बारे में क्या सोच रहा है. क्यों? क्योंकि हम last stanza में देखते हैं, she was like, Amanda, तुमने ऐसा कैसा मुंह बना रखा है, कोई भी तुम्हें देखकर बोलेगा कि मैं तुम्हें कितना नैक करती हूँ, which was actually the reality, वो उसे नैक करती थी. ठीक है, अब अमांडा की मम्मा को उस टाइम पे क्या समझना चाहिए था कि उनकी बेटी का ऐसा मूड क्यों बन रहा है, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग और व्हाट इज हैपनिंग विद हर, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है, विच शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड. राइट, नेक्स्ट, She used force to make Amanda obedient. ठीक है, उन्होंने Amanda को obedient बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही force का इस्तेमाल करा. ठीक है, उसको थोड़ी सी भी आजादी नहीं दी. And she was unable to understand her kid. That is very evident from throughout the poem कि वो अपने बच्ची को समझ ही नहीं पाए कि उनका बच्चा जो है अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है. राइट, जो बच्चा पार्टी, दिस वॉज अमांडाज मदर का कैरेक्टर. अब जब भी आप कोई भी कैरेक्टर स्केच देख रहे हो ना, एक चीज को जरूर ध्यान रखना कि आपको उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट तो जरूर देना पड़ेगा, कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर देना पड़ेगा फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ, ताकि जस्टिफाई लगे कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो कुछ सोच समझ कर बोल रहे हो. ऑलराइट, मूविंग अहेड, रिचर्ड्स मदर. अब रिचर्ड्स मदर कौन है? मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो चैप्टर है, अभी आप पढ़ोगे अपनी सप्लीमेंट्री बुक का, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेट मी टेल यू. एंड इसमें से इनकी मदर को लेकर काफी बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि अमांडा की मम्मा जो है, ठीक है, क्या रोल प्ले करती है अमांडा, सॉरी रिचर्ड की मम्मा जो है वो क्या रोल प्ले करती है रिचर्ड की लाइफ में. सो प्लीज इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करके जाइएगा, बिकॉज ये शॉर्ट में भी पूछा जा चुका है दोज में.
में काफी बार, ठीक है। तो रिचर्ड की मम्मा कैसी मम्मा है, शी ऑलवेज एनकरेज हर किड, शी इंस्पायर्ड ईब्राइड इंटरेस्ट इन लर्निंग, ठीक है। उन्हें पता चला कि उनके बच्चे के क्यूरियस नेचर है, उसे साइंस में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कभी रोका नहीं, अपनी बात नहीं थोपी, हमेशा उसे पुश फॉरवर्ड करा कि अच्छा बेटा तुझे ये करना है तो तू जरूर कर। शी बॉट हिम इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरास, बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स दैट चेंज रिचर्ड्स ईब्राइड्स लाइफ। अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हाउ डिड रिचर्ड्स मदर सपोर्ट रिचर्ड। इसमें आप बताते हो कि वो इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरास, बुक्स सब कुछ लेकर आती है, उसके लिए ट्रिप्स प्लान करती है, टेलीस्कोप्स लेकर आती है, उसके लिए द यू नो द मोनार्क द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बुक लेकर आती है, जिसकी वजह से रिचर्ड की पूरी लाइफ बदल गई। अब कैसे बदल गई ये आप तब समझोगे जब हम चैप्टर को साथ में पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो सारे के सारे सपोर्टिंग जो उनको चीजें चाहिए होती हैं रिचर्ड को अपनी पढ़ाई के लिए, वो सब कुछ उसकी मम्मा लेकर आती है। शी वॉज अ वेरी जेंटल एंड इंडिपेंडेंट लेडी हु टुक केयर ऑफ हर चाइल्ड ऑल बाय हरसेल्फ, ठीक है। रिचर्ड को जो है उसकी मम्मा ने सिंगल हैंडेडली संभाला था, ठीक है। उनके फादर का कोई मेजर रोल हमें दिखाया नहीं गया है, सिर्फ मदर ही थी, सिंगल मदर थी, बट उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से अपने बच्चे को पाला, ठीक है। उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज डाली एंड शी बिकेम हिज बेस्ट फ्रेंड, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। रिचर्ड के आसपास वहां पे बचपन में बहुत ज्यादा बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, ठीक है। तो रिचर्ड की मम्मा ही, ठीक है, उनके बेस्ट फ्रेंड का भी काम करती थी, ठीक है। शी वॉज नॉट जस्ट हिज मदर बट ऑल्सो शी एक्टेड लाइक अ बेस्ट फ्रेंड विच इज वेरी नेसेसरी फॉर अ किड एट टाइम्स, ठीक है। हमेशा बच्चे को एक मम्मी या पापा की जरूरत नहीं होती है, कई बार बच्चा एक दोस्त चाहता है, तो उस दोस्त का काम भी रिचर्ड की मम्मा ने बहुत ही बखूबी निभाया था एंड उसके लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, एक रोल यू नो मॉडल का काम करा, जिसे देखकर रिचर्ड को हमेशा ऐसा लगा कि हाँ अगर मेरी मम्मा ऐसी है तो मुझे भी उनके नक्शे कदमों पर चलकर एक बहुत सक्सेसफुल और एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। ऑलराइट, सो दिस वाज रिचर्ड्स मदर्स कैरेक्टर स्केच। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, भोलीज मदर, ठीक है। भोली वाला चैप्टर भी अभी आपने नहीं पढ़ा है, बट भोली वाला चैप्टर भी ऑल्सो लेट मी टेल यू वेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई एम आई सेइंग इट, बिकॉज लास्ट ईयर सीबीएसई के, ठीक है, जो हमने पेपर्स देखे थे, क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, उस सब में ऑलमोस्ट हर बार भोली से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। सो अगर आप ये भोली वाला चैप्टर पढ़ोगे तो प्लीज ध्यान से पढ़ना और उसको डेफिनेटली मिस आउट मत करना। तो भोली की मम्मा कैसी थी, शी वॉज एन ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमन विद अ नैरो एंड बैकवर्ड थिंकिंग, ठीक है। वो एक गांव में रहने वाली औरत थी और उनका जो सोच थी वो बहुत ज्यादा ना नैरो थी, बैकवर्ड थी, बिकॉज वो उस टाइम पे भी ये सोच रही थी कि अरे लड़के जो होते हैं वो तो यू नो घर को सपोर्ट करते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो एज अ कर्स यू नो रहती है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो डाउरी कलेक्ट करनी पड़ती है, वो तो पराया धन है, इस टाइप की मेंटालिटी रखती थी। एंड शी नेवर केयर्ड फॉर भोली, ठीक है। भोली की कभी उन्होंने केयर नहीं करी क्योंकि भोली वॉज नॉट गुड लुकिंग, भोली ऑलवेज स्टैमर्ड, ठीक है, उसकी तो कोई क्वालिटीज उन्हें दिखी नहीं जिसको वो अप्रिशिएट कर सके, तो उन्होंने भोली की कभी कोई केयर नहीं करी, ठीक है। शी ऑब्जेक्टेड टू एनरोलिंग हर डॉटर्स इन स्कूल, जब उनके विलेज में स्कूल तक खुला, ठीक है ना, ऑल्सो उनका एक वही रहना था कि नहीं भाई लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, उनको तो बड़े होकर शादी करनी है। और भोली को भी पढ़ाने के लिए वो सिर्फ इसलिए मानी थी क्योंकि उन्हें लगा अरे इसकी तो शादी नहीं होनी है, कम से कम पढ़ लिख ही लेगी। नेक्स्ट शी बिलीव्ड भोली टू बी अ सिंपल टन एंड शी हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, हाईलाइटेड हर इनसिक्योरिटीज। भोली की मम्मा भोली में ही बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रखती थी। जहां एक पेरेंट को एक बच्चे के सपोर्ट की तरह, पिलर की तरह खड़ा रहना चाहिए, भोली की मम्मा ऑन दी अदर हैंड हमेशा उसे डिमोटिवेट करती थी, उसकी इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट करती थी, उसे डम काओ तक बुलाती थी, विच इज वेरी सैडनिंग। She pays no attention to whether Bholi's groom is a greedy or an aged person. जब भोली की शादी करने के बाद आई और जो पहला रिश्ता आया बिशनवेर का, उन्होंने डायरेक्टली उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने ना ये देखा कि उसकी जो पहले शादी हो चुकी है वो कितना बूढ़ा है। He was even a disabled person. She was like, it's all right. वो कोई डाउरी डिमांड नहीं कर रहा, उसके लिए एक रिश्ता आया है, ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, which was again very very disappointing. Since she was a mother, she should have been protective of her kid, ठीक है, she should have been the first one to support her kid, but उन्होंने ऐसा कभी भी भोली के लिए नहीं करा।
ऑलराइट, सो ये थी हमारी चार मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर्स, ठीक है, जिनके ऊपर आपका कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनको डायरेक्टली आपसे यू नो उनका कैरेक्टर पूछ के एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है. तो इन चार कैरेक्टर्स को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते. अब बात करते हैं एन फ्रैंक की, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है. शी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. शी इज अ टीनेजर गर्ल हु इज वेरी हाई इंटेलिजेंट, वेरी क्रिएटिव, एंड शी वाज एन इंट्रोवर्ट किड एज वेल. हम क्यों बोल रहे हैं कि वो एक इंट्रोवर्ट थी, बिकॉज शी डिड नॉट मिंगल विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है. उसके बहुत सारे दोस्त थे, उसकी एक एल्डर सिस्टर थी, ठीक है, बट शी ऑलवेज फेल्ट दैट यू नो शी नेवर कनेक्टेड विद एनीवन इमोशनली. शी वॉज कंपैशनेट एंड वेरी मच्योर. Even at an age of 13, ठीक है, she realized, you know, that, you know, paper has more patience than people. It is rather better कि वो लोगों से ज्यादा किसी डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखें, because people aren't always reliable. Compassionate क्यों थी? Because अपनी grandmother की डेथ को उसने बहुत क्लोजली फील करा था, एंड ऑन हर डेथ शी इवन लाइटेड एन एक्स्ट्रा कैंडल ऑन हर 13th बर्थडे एज अ ट्रिब्यूट. She was very talkative, जिसकी वजह से वो अपने मैथ्स टीचर से लगातार पनिशमेंट भी पाती थी. She was very funny and used to create humorous defense for every issue. जब मिस्टर कीसिंग ने उसे पॉइंट आउट करा था, she is very talkative and now she needs to write, you know, essays on why she is so talkative. She actually brought out some very genuine and legitimate points कि भाई ये ट्रेट तो मैंने अपनी मम्मा से इनहेरिट करा है. तो जब मेरी मम्मा इतनी बातूनी है, How can you expect me to speak rather less? ठीक है, उसके बाद last में उन्होंने एक बहुत ही funny poem के through ये बताया that why she is talkative. उसके मिस्टर कीसिंग ने हार मान ली कि भाई ठीक है, तुम तो सुधरने से रही, ठीक है, मैं ही हार मान लेता हूँ. Next, she was very innovative in her arguments. Like I told you, ठीक है, she could have easily just filled up her essays with anything. ठीक है, कुछ भी लिख सकती थी, but instead उन्होंने genuine legitimate points दिए. She was very capable of handling her annoyed teacher. ठीक है कि जब उनकी टीचर उनसे गुस्सा हुए तो उन्होंने बहुत समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल करा. ठीक है, अगर उन्होंने यू नो ऐसे एसेज वगैरह लिखे जो फनी थे, थ्रू आउट दैट इंसिडेंट सिनेरियो शी मेड श्योर शी नेवर डिसरिस्पेक्टेड एनी टीचर. ठीक है, सो शी वॉज वेरी यू नो थॉटफुल अबाउट दैट एज वेल. ऑलराइट, सो ये रहा एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच. मूविंग ऑन टू नटालिया, ठीक है, नटालिया कब आएगी? ये आएगी आपके पास प्रपोजल में, जो कि आपका प्ले है फर्स्ट फ्लाइट में. इट्स अ वेरी वेरी फनी प्ले. ठीक है, तो उसमें नटालिया जो है, शी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स एंड वो 25 ईयर ओल्ड है, अनमैरिड है, ब्यूटिफुल है. ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डायरेक्टली बुक में बताए गए हैं, सो इसमें ज्यादा कुछ हम इसको यू नो डिफाइन नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे. शी वॉज वेल एजुकेटेड बट शी डिड नॉट सीम थो. ठीक है, वैसे तो उसको एजुकेशन मिली भी थी, बट हाउ शी ट्रीट्स लमोग, उससे हमें लगता है कि जैसे उसको सिर्फ एजुकेशन नाम की मिली थी. शी डिड नॉट बिहेव लाइक अ सिविल पर्सन विद हिम. She is short-tempered and sharp-minded woman who is not willing to give one inch of her land to others. ठीक है, तो जब उसकी लमोव से इस बात पे argument होती है कि जो एक piece of land है वो उसको belong करता है या लमोव की family को, तो वहां पर वो बहुत जल्दी अपना temper lose कर देती है. Sharp-minded थी, witty थी, एकदम से उसके पास हर चीज का जवाब था. ठीक है, but at the same time the argument was not very healthy. Accepts Lamov's proposal for economic reasons and social security, hence superficial and materialistic. ठीक है, पहले तो लमोव से खूब लड़ती है, झगड़ती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि लमोव जो है उससे शादी का रिश्ता लेकर आया है, तब वो सब कुछ भूल जाती है. शी इज लाइक, अरे कोई बात नहीं, सब भूल जाओ, आई एम रेडी टू मैरी यू. बिकॉज उसे पता था लमोव के पास पैसा है. ठीक है, तो सिक्योरिटी रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस के लिए वो लमोव से शादी करती है. शी वाज अ वेरी सुपरफिशियल एंड मटेरियलिस्टिक वुमन. शी वाज क्वारलसम, अब्यूसिव एंड ईगर टू फॉल इन लव. ठीक है, बहुत लड़ाकू थी वो, कुत्ते तक के टॉपिक पर लड़ने लग जाती है कि किसका कुत्ता बेटर है. अब्यूसिव है, आप जब प्ले को पढ़ोगे आपको खुद दिखेगा कि दैट शी वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल व्हाइल कन्वर्सिंग विद लमोव, जब उसका पारा हाई होता है. एंड शी वाज ईगर टू फॉल इन लव. ठीक है, उसके डैड उसे लव सिक कहकर बुलाते हैं, लव सिक कैट. ठीक है, कि उसे तो बस शादी करनी है, प्यार में पड़ना है. शी डिड नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ लव, बट शी वॉन्टेड टू गेट मैरिड इन बी इन.
लव, ठीक है। तो बहुत ही आयरोनिक सिचुएशन थी ये यहाँ पर, ऑलराइट। सो ये रही हमारी निटल्या। उसके बाद बात करते हैं एन ग्रेगरी की। एन ग्रेगरी जो है, फॉर एन ग्रेगरी पोम है, लास्ट पोम है आपके सिलेबस की। तो उसकी ये हमारी प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसमें जो एन ग्रेगरी है वो नटालिया से बिल्कुल अपोजिट है। तो नटालिया और एन ग्रेगरी का कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो शी हैड वेरी ब्यूटीफुल अपीयरेंस एंड अ गुड हार्ट टू। वो बाहर से तो सुंदर दिखती ही थी, पर वो दिल की उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। नाउ व्हाई आर वी सेइंग दैट दैट शी वाज ब्यूटीफुल बोथ एट हार्ट एंड फ्रॉम आउटर अपीयरेंस एज वेल? बिकॉज शी वांटेड समवन हु वुड फॉल इन लव विद हर बाय सीइंग हर इनर ब्यूटी। वो चाहती थी कि अगर कोई उससे शादी करे तो इसीलिए शादी करे बिकॉज वो दिल से खूब खूबसूरत है। शी हैड ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, बट शी वाज लाइक नो, आई वुड रादर चेंज माय अपीयरेंस सो दैट समवन वुड लव मी फॉर इनर क्वालिटीज रादर देन माय प्रीटी येलो हेयर, ठीक है। शी डिड नॉट केयर हाउ शी लुक फ्रॉम आउटसाइड। शी वाज लाइक इफ समवन वांट्स टू लव मी, इफ समवन वांट्स टू मैरी मी, दे शुड डू सो बिकॉज आई हैव अ रियली गुड हार्ट, बिकॉज आई हैव माय इनर क्वालिटीज। क्योंकि जो मेरी आउटर अपीयरेंस है वो तो टाइम रहते रहते ढल जाएगी, बट माय इनर क्वालिटीज, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो जहां नटल्या किस चीज पर एम्फसाइज कर रही थी कि उसे पैसा मिले, उसे एक सोशल सिक्योरिटी मिले, वहां पर एन ग्रेगरी एक ऐसे पार्टनर को ढूंढ रही थी जो उसे इसलिए प्यार करे क्योंकि वो दिल से खूबसूरत है बाहर से नहीं। मूविंग अहेड, अ टाइगर इन द ज़ू। और मैंने टाइगर का क्यों दिया है, बिकॉज टाइगर वर्सेस मिजबिल का आपको कंपैरिजन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मिजबिल का कैरेक्टर भी इसके बाद हम करेंगे। अब हम टाइगर की बात करें तो टाइगर का जो ट्रू नेचर है वो थ्रू आउट द पोम सप्रेस कर रहा है। व्हाई? बिकॉज जो टाइगर है, ठीक है, उसे हमने केज में बंद कर रखा है, ठीक है। वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। जहां वो वाइल्ड में लोगों का शिकार करता है, लोगों को डराता है, यहाँ पर वो विजिटर्स की तरफ तक नहीं देखता है। इट डिस्प्लेज इट्स रेस्टलेसनेस एंड यर्निंग फॉर द वाइल्ड। ही वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली मूविंग बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ इन द केज। उसकी आंखों में वो रेस्टलेसनेस थी, वो एक नेचर, वो वाइल्ड के लिए यर्न कर रहा था, लॉन्ग कर रहा था, बिकॉज ही डिड नॉट बिलोंग इन द ज़ू। ही लुक्स लॉन्गिंगली एट द शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई इन अ होप टू बी विद नेचर समबडी। इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि टाइगर कैसे ब्रिलियंट स्टार्स को घूर रहा होता है। बाय? बिकॉज ही इज होपिंग समवेयर इन हिज हार्ट, किसी दिन मैं भी उन तारों की तरह खुले आसमान में होऊंगा एंड मेरे ऊपर भी कोई बंदिशें नहीं होगी। नेक्स्ट, ही हैड अ वेरी नेगेटिव ओवरव्यू ऑफ ह्यूमंस ड्यू टू कैप्टिविटी। उसे ह्यूमन बीइंग्स डेफिनेटली बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं ह्यूमन बीइंग्स ने उसे एक छोटे से केज में बंद करके रख दिया था, ठीक है। सो ही डेफिनेटली डिड नॉट लाइक ह्यूमंस बिकॉज दे वर यूजिंग हिम जस्ट फॉर देयर एंटरटेनमेंट। Moving on to Mijbil. Mijbil जो है, Mijbil the otter में था, who was a pet of our author, ठीक है, and he was very friendly, ठीक है, वो humans के साथ बहुत friendly था, because उसकी ऐसी breed थी, ठीक है, कि वो humans उसे tame कर सकते थे। Initially थोड़ा सा घबराया था, but बाद में उसने एक attachment डेवलप कर लिया था ओनर के साथ। एंड ही वाज वेरी प्लेफुल, ही लव्ड वाटर, ठीक है, पानी जहां भी उसे दिखता था स्प्लिश स्प्लैश करता था, खेलता था, ठीक है। एंड ही यूज्ड टू डेवलप हिज ओन न्यू गेम्स विद मार्बल्स एंड सूटकेसेस एंड व्हाट नॉट। नेक्स्ट, ही कुड फॉलो बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मिजबिल एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल भी था, क्योंकि जब उसे उसका ऑथर बुलाता था उसके नाम से तो वो दौड़ा दौड़ा चला आता था। एंड लास्ट, ही वाज नॉट used to any sort of restraint, ठीक है, उसे restrictions की तो बिल्कुल आदत नहीं थी। जब हमारा author Mijbil को इराक से लंदन लेकर जा रहा होता है और उसे कुछ देर के लिए ही बॉक्स में बंद किया होता है, तो उसने बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया था, ठीक है। उसने बहुत वहां पर ना बड़ा सा एक सीन क्रिएट कर दिया था, इवन इन द एरोप्लेन व्हाइल ही वाज फ्लाइंग। सो ही वाज नॉट एट ऑल यूज्ड टू restraints एंड constraints लाइक द tiger who was in the zoo, and he loved human beings unlike the tiger who hated them, all right।
So, bacha, these were the important character sketches that I had in store for you today. Please don't worry, हम part 2 इसका बहुत जल्दी लेकर आएंगे next week. And bacha, this is the schedule of the week. अगर आपने कोई भी session अभी तक miss करा है ना, तो please उसे अच्छे से देख लेना. ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगी. Saturday को आ रही हूँ. And I'm going to discuss a VIP series, okay, on a question of trust, and then most important questions from a tiger in the zoo. ठीक है, तो उसको जरूर देखना. संडे को एक मॉडल्स का वन शॉट आ रहा है और मिचविल द ऑथर के ऊपर एक वीआईपी सीरीज आ रही है, इसको भी कोई मिस नहीं करेगा. एंड बच्चा, ठीक है, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल. अगर किसी को भी ऐसे प्यारे प्यारे सेशंस की डीटीएस चाहिए, रिमाइंडर्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल आउट देयर. ठीक है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. ठीक है, अगर आपको पर्सनली कुछ भी पिंग करना है, बातचीत करनी है, तो दिस इज वेयर यू कुड फाइंड, यू कैन फाइंड मी. एंड किडोज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर टीचर्स आर वर्किंग रियली रियली हार्ड टू मेक श्योर आपके अच्छे रिजल्ट आए, इसलिए हम सब ने इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल सब खोले हैं. एंड लेट मी टेल यू, इंग्लिश के शॉर्ट चैनल पे हर हफ्ते आई पुट अप शॉर्ट्स दैट कैन हेल्प यू विद योर वोकैबुलरी, ग्रामर एंड व्हाट नॉट. सो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर you check them out. And before you leave, hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to the channel if you haven't. Bye bye guys, hasta la vista, fir milenge, padhte padhte.